चीज चल रही है, पर हम यूज उसको किसी और तरीके से करते हैं, ठीक। बाकी अभी कुछ दिनों में जब यूज न्यूमेरिकल का जब करवाऊंगा ना, अपने आप क्लियर हो जाएगा, चिंता ना करो, न्यूमेरिकल में सब क्लियर हो जाएगा। देखो, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल भी ले सकता हूं, अगर जैसे सपोज करो मैं एक ऐसे फील्ड में चला गया कंजर्वेटिव, ध्यान आगे, मैं एक ऐसे फील्ड में चला गया जहां पर एनर्जी यू, यहां पर एनर्जी यू माइनस जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाय आर के इक्वल थी, मतलब कि एक दो मासेस थे, मान लो एक अर्थ है और एक वो एप्पल है, अर्थ और एप्पल के बीच में पोटेंशियल एनर्जी इसके इक्वल थी, मैंने कुछ भी बना दिया फॉर्मूला, इतनी थी, ठीक है, अपने का होगी, आप कह रहे हो तो ठीक है, ले लिया। लेकिन ये समझ में आ रहा है कि एनर्जी आर के ऊपर डिपेंडेंट है, आर अगर चेंज होगा तो एनर्जी भी चेंज होती है, यानी कि एनर्जी हर पॉइंट पर सेम नहीं है, तो आर का मतलब दो मासेस के बीच में डिस्टेंस, अगर दो मास में डिस्टेंस चेंज होगा तो एनर्जी भी चेंज होगी, ठीक है। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ इनमें फोर्स क्या होगी दो मासेस में, आपको कहा एनर्जी से फोर्स, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि इट इज अ कंजर्वेटिव, ये क्वेश्चन कंजर्वेटिव सिस्टम का है, तो आपको याद आया कि हाँ मैंने कुछ बताया तो था कि कंजर्वेटिव फोर्स को क्या लिखेंगे इसमें, माइनस डी यू बाय, अब आर, आर वेरिएबल है, तो एक काम करते हैं, एफ इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर ऑफ यू, यू बोलो किसके इक्वल है, माइनस जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाई कितना आर, इसके इक्वल है, तो यहां से फोर्स विल बी इक्वल टू प्लस डी बाई डी आर ऑफ आर इज टू पावर माइनस वन कर लें, आर इज टू पावर माइनस वन कर लें, ठीक। तो कॉमन क्या आ गया, जी इंटू एम वन इंटू एम टू कॉन्स्टेंट बाहर आ गए, तो फोर्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस जी एम वन इंटू एम टू, सॉरी जी एम वन एम टू माइनस वन इंटू आर पावर माइनस टू, डिफ्रेंसिएशन ऐसी होती है ना, तो यहां से सॉल्व किया तो क्या आया, माइनस जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, देखा लगता है न्यूटन का लॉ, जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर, कंजर्वेटिव फोर्स आ गई, देखो मतलब कॉम्प्लेक्स है, मैं मानता हूं फर्स्ट टाइम करने वाले को तो कुछ दिन समझ में नहीं आता कि ये हुआ क्या है, लेकिन जैसे जैसे फिजिक्स आगे बढ़ेगी और एग्जाम्पल्स में ये फॉर्मूले फिट होते जाएंगे, वो अपने आप चीजें और क्लियर होती जाएंगी कि हम एनर्जी से फोर्स को निकाल सकते हैं बाय डेरिवेटिव। ये कमाल का जो है रिलेशन बनाया बनाने वाले ने, और इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक। बोलो, मैंने बोला ही नहीं, मैंने आपको बोला इस क्वेश्चन के आगे गिवन सिस्टम इज कंजर्वेटिव तो ही ये फॉर्मूला लगेगा, नहीं तो लगेगा ही नहीं। अच्छा अच्छा, क्योंकि मैं अब ये बताने वाला हूं कि ये फॉर्मूला कंजर्वेटिव में लगेगा, नॉन कंजर्वेटिव में नहीं लगेगा, दोनों किसी इकट्ठे चल रहे हैं, एक फॉर्मूला करते हैं पहले कंजर्वेटिव फिर नॉन कंजर्वेटिव, ऐसे ठीक। जैसे एक टॉपिक खत्म होता है फॉर कंजर्वेटिव नॉन, जैसे वर्क डन जीरो होता है कंजर्वेटिव के लिए होता है, नॉन कंजर्वेटिव नहीं होता, ऐसे चल रहा है। चलो आगे चलो, दिखाता हूं कैसे। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, वो लास्ट टॉपिक है। मैं ना रोज रोज ऐसे लेक्चर देना पसंद नहीं करता, रोज रोज नहीं, एक ही दिन चलेगा इकट्ठा जो चलेगा, लोग सो जाएंगे यार, कुछ इंटरेस्टिंग चलेगा तभी लोग जागेंगे, कुछ लगा के दिखाएंगे, कुछ एप्पल गिरेगा, कोई इंक्लाइन प्लेन होगा, तब तो मजा भी आएगा, तो अगली बार न्यूमेरिकल होगा, बट रोज नहीं, इसको आज क्लोज करना है अभी। प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या है, मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, सुना होगा यही है ना, और मैकेनिकल एनर्जी सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, सुना हुआ है, अब पूरी स्टेटमेंट सुन लो, ये तभी वैलिड है अगर फोर्सेस कंजर्वेटिव है। अब याद करो, हमने सर्कुलर मोशन पूरा कर दिया, घुमाया बाल्टी को ऊपर नीचे, कहा वन पॉइंट पे टू पॉइंट पर एनर्जी कॉन्स्टेंट है, भाई क्यों कॉन्स्टेंट है, क्योंकि हम काम कर रहे हैं अगेंस्ट ग्रेविटी एंड ग्रेविटी इज कंजर्वेटिव। आप फ्रिक्शन के अगेंस्ट करके देखो, टोटल एनर्जी कॉन्स्टेंट आएगी नहीं, फ्रिक्शन खराब कर देगा आपकी एनर्जी को, क्लियर है यहां तक। तो मैकेनिकल एनर्जी कॉन्स्टेंट तभी वैलिड है, अंडरलाइन करो, इफ ओनली द कंजर्वेटिव फोर्सेज आर डूइंग वर्क ऑन द बॉडी,
जैसे ग्रेविटी की अगर फोर्स वर्क डन करेगी तो टोटल एनर्जी दैट इज सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक विल रिमेन कांस्टेंट। क्लियर यहां तक? तो आपको अगर प्रूफ करना है इस तरीके से कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है तो दो लाइन में हो जाएगा प्रूफ। मान लो डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट है, अगर आपने फोर्स एफ लगाई एंड एफ कंजर्वेटिव है लेट अस सपोज, तो डेफिनेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती थी? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू एफ इनटू डीएक्स। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है। और आज की पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या बोलती है कि डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस एफ इनटू डीएक्स। काइनेटिक एनर्जी में पॉजिटिव आता है या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में टर्म पॉजिटिव आती है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में टर्म नेगेटिव आती है हमेशा। ये डेफिनेशन है। क्लियर है यहां तक? तो मैंने दोनों डेफिनेशन लिख दी। ये कहां से आई डेफिनेशन? फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम। क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि अगर हम जो भी वर्क डन करते हैं दिस इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो जो भी वर्क डन करेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलती है? दिस इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ डी एक्स। एक काम करते हैं, इस टर्म की वैल्यू डेल्टा के रिप्लेस कर दो, इसकी जगह डेल्टा के। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा के या डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इज इक्वल टू जीरो। डेल्टा के का मतलब फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल काइनेटिक, डेल्टा यू का मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो। एक काम करो, फाइनल फाइनल वाली टर्म इस तरफ, इनिशियल इनिशियल वाली टर्म इस तरफ। तो चेक करो सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल का सम हमेशा क्या रहेगा? कॉन्स्टेंट। तो प्रूव हो गया ना एनर्जी कंजर्वेशन, और ये डेफिनेशन भी प्रूव हो गई कि डेफिनेशन एब्सोल्युटली करेक्ट है, तभी तो आंसर आया। ठीक है यहां तक? तो इसको मार्क कर सकते हो, अगर एनर्जी कांस्टेंट प्रूव करना है तो की जा सकती है। वैसे इसका अलग सब्स्टिट्यूट भी है, इसका एक आसान तरीका भी है मेरे पास, वही ब्लॉक को नीचे गिर देंगे जो हमने क्लास में पहले किया था, और टोटल एनर्जी प्रैक्टिकल एग्जांपल से कांस्टेंट कर देंगे। तो दो तरीके हैं, और अभी के लिए इसको क्लोज करते हैं। और ये समरी है इसकी, ये फॉर्मूला याद करना है, वर्क डन का फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी में माइनस आएगा, काइनेटिक में पॉजिटिव आएगा, क्लोज्ड पाथ में कंजर्वेटिव में नेट वर्क डन जीरो होता है, एंड कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट। क्लियर है यहां तक? तो इस असाइनमेंट में करने वाला क्या था? दो फॉर्मूले। तो इस असाइनमेंट में करने वाला एक तो ये प्रूफ है, ये प्रूफ है, ये फॉर्मूले हैं, और एक ये फॉर्मूला है बस, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं पढ़ना आपने, बस यही टिक मार्क करने हैं। ठीक, यूज कैसे करना है जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको अपने आप समझा दूंगा कि कैसे यूज होगा ये सारा। क्लियर है? ठीक है, इस वहम में भी मत रहना कि सारी वर्क एनर्जी पार ऐसी है या सारी फिजिक्स ऐसी है, एक ही लेक्चर ऐसा है, इससे आसान है, इजी है, प्रैक्टिकल है, जैसे पहले चल रही थी वैसी ही है, एक्सेप्ट एनर्जी।